हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी मिस्टेक्स कोडिंग में जो हम ना चाहते हुए भी कर जाते हैं, ठीक है। और या तो कुछ हमें पता नहीं होती कि वो सच में एक मिस्टेक है जो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कोडिंग में हम क्या क्या मिस्टेक्स हैं और उसे हम कैसे अवॉइड करेंगे, ठीक है। उन मिस्टेक्स को हम बचेंगे कैसे, वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला मिस्टेक हम देखते हैं अपना, ठीक है। तो सबसे पहला मिस्टेक है, ये लगता नहीं है कि ये मिस्टेक है, क्या है कि मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग और कोडिंग, इन तीनों को ना हम एक अलग समझते हैं, ठीक है। कि मैथ्स पूरा मतलब कम्प्लीटली अलग है और कोडिंग कम्प्लीटली अलग है और लॉजिकल जो है ये अलग है। बट अगर आपको कोडिंग जल्दी सीखनी है, मतलब ठीक है, तो यही एक शॉर्ट ट्रिक अगर आपको देखना है तो आपको ये देखना है कि कोडिंग है क्या, ठीक है। कोडिंग में अगर आप कोडिंग थोड़ा बहुत किए होंगे, ठीक है, या मतलब अभी कर रहे हैं या करने की सोचेंगे, तो आप उसमें पाएंगे ये कि कोडिंग ना इसमें भी लॉजिक ही होता है, ठीक है। बेसिक क्या होता है, इसमें भी एक प्रॉब्लम आपको दिया जाता है, उस प्रॉब्लम को सलूशन आपको निकालना है, ठीक है। प्रॉब्लम का ऐसा नहीं हो सकता, मतलब हमेशा ऐसा नहीं होगा कि वो प्रॉब्लम आप पहले से कभी किए रहेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है, ऐसा, ठीक। तो इसमें भी लॉजिक होता है। तो अब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इसको अगर मैथ की तरह देखेंगे, ठीक है, या लॉजिकल रीजनिंग की तरह देखेंगे, ठीक है, तो आपको फ़ायदा ये होगा, आप मैथ्स बहुत सालों से पढ़ रहे होंगे, ठीक है, मैथ आप 4-5-10 साल से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप जैसे ही अगर आप ये एज्यूम कर लेंगे ना कि कोडिंग एक मैथ की तरह है, ठीक है, एग्जैक्टली मैथ नहीं है बट कुछ कुछ फीलिंग्स आती है, ठीक है, उस तरह से ही, ठीक, तो आपको ये काफ़ी आसान लगने लगेगा, ठीक है। क्यों ऐसा माइंड में, क्योंकि एक साइकोलॉजी बन जाता है कि यार ये चीज़ हमने किया है, ठीक है, मतलब ये चीज़ किया है बट ये क्या थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। आप इसको कंप्यूटर पर करना है, आप कुछ लॉजिक्स लिखने हैं, कुछ इसके सिंटेक्स सीखने हैं, कुछ लैंग्वेज सीखना है, ठीक है, बट लॉजिक, यहाँ पे भी लॉजिक की बात है, मैथ्स में भी लॉजिक की बात होती है और लॉजिकल रीजनिंग में, तो भाई ठीक है। तो आप इसको मैथ और लॉजिकल रीजनिंग की तरह देखें, ना कि एकदम कम्प्लीटली या न्यू, मतलब न्यू चैप्टर या न्यू सब्जेक्ट की तरह देखें, ठीक है। तो अगला मिस्टेक की तरफ देखते हैं, लैंग्वेज में मतलब बहुत ज़्यादा ना डीप में घुसना, मतलब जैसे क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने भी ये गलती की है, ठीक है, क्या करना कि लैंग्वेज में घुसते चले जाना, ठीक है, मतलब लूप सीखना, फंक्शन सीखना, मतलब रिकर्सन सीखना, फिर मतलब हर एक चीज़ सीखना, ठीक। तो क्या ये ज़रूरी है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, आप ज़रूरी तो है, ठीक है, लैंग्वेज सीखना और बेसिक सारा आपको क्लियर पहले करना पड़ेगा तभी आप कोड कर पाएंगे। बट इसका ये मतलब नहीं होता कि आप पहले इसमें PhD कर लीजिए, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आप पहले इसमें PhD करिए लैंग्वेज में, फिर आप DSA की तरफ मूव करिए या कोडिंग फिर स्टार्ट करिए, ठीक। तो आप कोई भी एक लैंग्वेज पकड़िए और उसका बेसिक कीजिए, ठीक है। उसका बेसिक का मतलब जैसे मैं बोल सकता हूँ कि आप उसमें ये सीख जाइए कि लूप कैसे लगाना है, ठीक है, कुछ फंक्शंस के बारे में सीख जाइए, कुछ मतलब रिकर्सन के बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाए, ठीक है, इफ एल्स कंडीशन, इफ एल्स ये सब कंडीशंस आ जाए, ठीक है, कुछ बेसिक ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है, वो आप सीख जाइए। बस इतना मतलब जल्दी से आप इसको सीख के आप आगे बढ़िए, ठीक है, मतलब और आपका बेस जो है वो आगे स्ट्रांग होगा, ना कि अभी, ठीक है। क्या करना है कि जब आप आगे प्रॉब्लम्स करेंगे ना, प्रॉब्लम्स के जरिए आपको ये ऑटोमेटिक कुछ चीज़ें ऐसी अगर जो छूट जाएंगी वो प्रॉब्लम आपको सिखा देगा, ठीक है। आगे जब आप करेंगे तो आप कहीं ना कहीं फंसेंगे, ठीक है, तो वो वहाँ पर आप क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए आप लैंग्वेज में ज़्यादा डीप में मत जाइए, ज़्यादा टाइम मतलब जैसे 3-4 महीने मत खराब कर दीजिए अपना, ठीक है। आप 15-20 दिन, ठीक है, 1 महीना, 1 मंथ आप दे सकते हैं, ठीक, उसके बाद आप मूव कर जाइए। क्योंकि क्या होगा कि अगर आप मूव नहीं करेंगे ना, आप अपना इंटरेस्ट लूज़ कर जाएंगे कोडिंग में, ठीक। तो अगली मिस्टेक की तरफ देखते हैं, ये हमने देख लिया कि इसका प्रॉब्लम कैसे है, ठीक है। तो आप बेसिक सीख जाइए सब कुछ, आप ऊपर से, फिर उसके बाद आप प्रॉब्लम की तरफ जाइए और प्रॉब्लम से आप सीखेंगे आगे कि क्या क्या चीज़ें आपकी छूट रही हैं और आप उसको फिर इम्प्रूव कर लेंगे, ठीक। तो प्रॉब्लम जो हमारा मिस्टेक 3 होता है, तो बहुत सारा मतलब ये मिस्टेक हमने भी किया है, हमारे दोस्तों ने भी किया है, मतलब काफ़ी लोग इसको करते हैं कि वीडियो लेक्चर देखना, ठीक है। शुरुआत में क्या होता है कि सिर्फ हम वीडियो लेक्चर्स देखते रहते हैं, ठीक है, तो ये बात कुछ हद तक सही है, ठीक है, कि हमें वीडियो लेक्चर्स देखना पड़ेगा क्योंकि एक नई चीज़ हम मतलब कम्प्लीटली नई नहीं बट एक नई चीज़, एक नए डोमेन को हम ट्राई कर रहे हैं, तो उसमें कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, ठीक है, कैसे वर्क कर रही हैं चीज़ें, कैसे
क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो रहे हैं, क्या माइंड सेट है, ठीक है, ये हमको पता करना पड़ेगा क्या माइंड सेट है, मतलब उस प्रॉब्लम को, उस फील्ड के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये पता करना है। बट इसका ये मतलब नहीं कि कम्प्लीटली आप उस वीडियो को देखे जा रहे हैं, ठीक है, मतलब कि आप, मतलब जैसे मैंने गलती की थी कि शुरुआत में मैं एक GFG का कोर्स था, ठीक है, तो मैं वहाँ से क्या किया वीडियो देखने लगा, ठीक है, कोर्स बहुत बढ़िया था, तो बट उसमें क्या करना था हमें कि जैसे आज अगर हम 4 वीडियोस देखें, ठीक है, तो पहले उस वीडियो को, जो भी आप वो प्रॉब्लम है उसको हम इम्प्लीमेंट करें, ठीक है, इम्प्लीमेंट खुद से करें, ठीक है, फिर इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर उसी टाइप के जो इस वीडियो में हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड या सिमिलर प्रॉब्लम हमें क्या करना चाहिए, खुद से ट्राई करना चाहिए, फिर हम अगले वीडियोज़ की तरफ मूव करें। बट गलती ये हो जाती है कि एरेस का मान लीजिए 30 लेक्चर्स हैं, ठीक है, तो हम 30 कॉन्सेप्ट हैं, मान लीजिए 30 लेक्चर्स हैं, हम खोल के बैठ जाते हैं, ठीक है, कोई भी होगा खोल के बैठ जाएगा और 30 का 30 कंप्लीट करने की ट्राई करेगा। बट क्या होगा कि जब आप 30 कंप्लीट करने जाएंगे ना, तो जब आप 30th लेक्चर पे होंगे, ठीक है, तो पहले लेक्चर में क्या जो कॉन्सेप्ट्स रहे होंगे, ठीक है, जितने डेप्थ में आप उस समय समझे होंगे, ठीक है, जब आप पहला लेक्चर कर रहे थे, तो आप जब मान लीजिए 30 लेक्चर पे पहुंचे हैं 4-5 दिनों में, तो क्या आपको वो सारी चीज़ें याद होंगी, मतलब जो पहले लेक्चर में आपने उस समय सीखी थी, मतलब अगर, इसलिए यही एक मेन लॉजिक है कि अगर आप क्वेश्चन ट्राई मार देंगे, ठीक है, मतलब कुछ 8-10 सवाल उससे रिलेटेड कर देंगे, मतलब तो कुछ भी सवाल करिए, ठीक है, तो आप उससे क्या हो जाएंगे, फैमिलियर हो जाएंगे और वो चीज़ें आपके माइंड में क्या रहोगी, घुस जाएंगी अंदर तक, ठीक है। तो ऐसा ही होता है कि प्रॉब्लम जब हम खुद से सॉल्व करते हैं तभी वो ज़्यादा दिन तक माइंड में अपने रहता है, ना कि किसी वीडियो लेक्चर को ज़्यादा देखने से, ठीक है। तो वीडियो लेक्चर देखना है बट इतना नहीं देखना कि हमको खुद ट्राई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो एक वीडियो लेक्चर अगर आप देख रहे हैं तो आप, मतलब ये श्योर होइए कि पहले कि आप ट्राई किए हैं प्रॉब्लम उससे रिलेटेड, ठीक है। तो मतलब इस तरह से आप सीखिए, मतलब बैलेंस बनाना है हमको, मतलब सीधा बात, ठीक। तो अगले मिस्टेक की तरफ चलते हैं, ठीक है, पूरा पढ़ना फिर कोड कर लेंगे, ठीक है। तो बहुत लोगों का ये माइंडसेट होता है कि जैसे मैंने अभी ये पिछला डिस्कस किया कि एरेस का जो भी लेक्चर है, ठीक है, उसमें 1-30 लेक्चर्स हैं, तो हम पूरा 30 लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे और फिर उसके बाद कोड करना शुरू करेंगे, ठीक। तो क्या होगा, पहले से हमारा मिस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट उसी से रिलेटेड है थोड़ा, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं आपको कि थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है, फिर उसको कोड करना है, ठीक है, फिर थोड़ा सा पढ़ना है, फिर उसे कोड करना है, ठीक है, फिर उससे रिलेटेड फैमिलियर सवाल भी करने हैं, ठीक है, उससे सिमिलर सवाल भी करने हैं, ठीक है। इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके आप जो है आगे बढ़िए, ना कि आप पूरा पढ़ेंगे। मान लीजिए आप पूरा पढ़ने बैठे डायनेमिक प्रोग्रामिंग, एक आगे टॉपिक आएगा आपका, ठीक है, मतलब जैसे DP है, ठीक है, तो आपने DP क्या किया, पूरा मतलब किसी का भी सीट उठाया, किसी का वीडियो प्लेलिस्ट उठाया, तो उसमें मान लीजिए 50 लेक्चर हैं, ठीक है, 50 लेक्चर या 40 लेक्चर इतना होता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो आप क्या कोशिश करेंगे कि 40 लेक्चर आप पूरा कर लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक। क्या होएगा कि जब आप पहला लेक्चर जो होगा आप उसके चीज़ें, काफ़ी चीज़ें भूलने लगेंगे। तो मेरा यही सजेशन है कि आप 3-4-5 लेक्चर करिए, जितना भी आपका कैपेसिटी हो, ठीक है, और फिर उसके बाद आप उसको कोड करिए, ठीक है, जो आप प्रॉब्लम किए हैं, ठीक है, या तो उसी साथ साथ कोड करिए और फिर उससे सिमिलर सवाल आप प्रैक्टिस करते हुए तब आगे बढ़िए, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है, ठीक। जैसे हम, मैंने बोला ना कि आपको इसको मैथ से रिलेट करना है, ठीक है। अब आप ऐसा नहीं था कि JEE के टाइम पे या आप जब भी कर रहे थे अपना, ठीक है, तो 12th में या 10th में कि आप मैथ क्या करते थे कि आप पूरा ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आप पूरा ख़त्म कर देते थे, पहले पूरा लेक्चर देख लेते थे या पूरा टीचर आपको पढ़ा देता था, तब जाके आप ट्रिग्नोमेट्री का सीट उठाते थे, ठीक है। तो आप ऐसा तो करते नहीं थे कि मतलब पूरा ख़त्म हो जाए फिर उसके बाद हम सीट उठाएंगे या फिर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो क्या करते थे हम कि थोड़ा पढ़े, आज टीचर ने पढ़ाया तो आज उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। इसी तरह आप कोडिंग में भी करिए ना, कोडिंग को अलग क्यों आप ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो फिर यही है, इस प्रॉब्लम का मिस्टेक आप इसे दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला प्रॉब्लम हम देख रहे हैं, नॉट कंसिस्टेंट, ठीक है। ये मतलब मेजर, मतलब मैंने क्या बोला कि अगर आप सारा प्रॉब्लम दूर कर लेंगे ना, अगर ये प्रॉब्लम फिर भी रहेगा तब भी आपको मिस्टेक होती है, ठीक है। हमने भी किया ये मिस्टेक फर्स्ट सेमेस्टर से ही, सेकंड सेमेस्टर, मतलब हम ऐसा करते थे कि मतलब 4 दिन किए कोडिंग, ठीक है, 4 दिन किए और फिर 10 दिन का एक लंबा ब्रेक, ठीक है,
ऐसा मत करिए, ठीक है। आप मतलब ऐसे आप सीखने का तो सीख जाएंगे, ठीक है। आप 4 दिन करिए, 10 दिन मत करिए, आप 4 साल तक करते रहिए, ठीक है। अपने पूरे मतलब बीटेक में आप क्या करते हैं, पूरे 4 साल तक करते रहिए, तो आप सीख जाएंगे थोड़ा बहुत, ठीक। बट ऐसा मतलब फिर आपका उतना फ़ायदा मिलेगा नहीं, ठीक। आप क्या करिए, आप 2 घंटे ही करिए, ठीक है, 2 घंटे ही करिए। अब आप टाइम नहीं मिलता है ना, तो मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ, आप आधे घंटे ही करिए, ठीक है। ये कोई मैटर नहीं करता, आप आधे घंटे करिए, एक ही क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। बट आप कोशिश करिए कि आप हमेशा कंसिस्टेंट हैं, ठीक है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप वहाँ पे छोड़ सकते हैं, ठीक है। मतलब जैसे आपका अगर एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, ठीक है, या बहुत ही ज़रूरी कोई चीज़ है, ठीक है, तो आप छोड़ दीजिए। बट आप ट्राई करिए कि आपको डेली करना ही करना है, एक प्रॉब्लम तो डेली करना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका जो लेवल है ना, वो धीरे धीरे इम्प्रूव होता जाएगा। बट अगर आप छोड़ देते हैं ना मतलब कोडिंग, तो उससे जो भी आपका लेवल होगा ना, बहुत आप नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो बट फिर आपको क्या होगा, फिर आपको बहुत पेन होता है, ठीक है यार, कि मतलब फिर से यहाँ पे मेरा, मान लो सपोज़ मेरा लेवल यहाँ था, ठीक है, फिर अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, ठीक। तो फिर से उसी मतलब फिर से वहाँ मेहनत करके वहाँ पहुँचना, ठीक है। इससे अच्छा क्या है कि आप थोड़ा थोड़ा और करते जाएंगे, एक एक सवाल भी करते जाएंगे, आप इससे नीचे तो नहीं गिरेंगे, इससे ऊपर ही जाएंगे, ठीक है। तो आप डेली करिए, बी कंसिस्टेंट, और बस ये भी एक मिस्टेक है बहुत बड़ी, ठीक। तो आप इसको ऐसे सॉल्व करिए कि आप मिनिमम आधा घंटा कोडिंग करेंगे ही करेंगे, ठीक है। बट अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम सिचुएशंस आती है जब आप नहीं कर सकते, तब आप सिर्फ छोड़िए, ठीक है। तो अगले उस पर देखते हैं। तो बेस स्ट्रांग ना करना, ठीक है। अब इसमें क्या है, ठीक है, मेरा पहला पॉइंट, ठीक है, जो लैंग्वेज का था, और ये पॉइंट थोड़ा सा वो लगेगा, ठीक है। मैंने बोला है कि लैंग्वेज आपको करना ज़रूरी है, ठीक है, मतलब, और फिर आगे प्रॉब्लम की तरफ मूव करना है, और फिर जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उससे सीखते जाना है। बट इसका क्या मतलब है कि बेस स्ट्रांग करना, ठीक है। बेस स्ट्रांग ना करना मतलब बेसिक जो चीज़ें होती हैं DSA में, ठीक है, जो कोडिंग में है, वो अपने क्या है, एरेज, स्ट्रिंग, रिकर्सन, ठीक है। मतलब ये सब क्या है, बहुत बेस है, ठीक है। आपको मतलब हर एक प्रॉब्लम में दे ही दिया जाता है यार, कि आपको ये एरे का प्रॉब्लम है, ठीक है, मतलब एक एन नंबर्स हैं, ठीक है, एक स्ट्रिंग है, ठीक है, ये मतलब इन जनरल बहुत बार क्वेश्चंस में आते रहते हैं, ठीक है। तो आपका ताकि कोई फियर ना रह जाए, ठीक है, बाद में एरेस आ गया, स्ट्रिंग आ गया, रिकर्सन आ गया, ठीक है, क्योंकि रिकर्सन भी आगे बहुत यूज होता है, ठीक है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग है अपना, ठीक है, ग्राफ्स में भी यूज होता है, ट्रीज में भी यूज होता है, बैक ट्रैकिंग में यूज होता है, ठीक है। तो मतलब हर जगह मतलब रिकर्सन है, ठीक है। तो ऐसे बोला भी जाएगा, ठीक है, कि रिकर्सन इज एवरीवेयर, ठीक है। तो रिकर्सन इंपॉर्टेंट है, स्ट्रिंग और एरेस तो हमारे ये बेसिक डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, तो इन्हें भी स्ट्रांग करिए। तो इन पे काफ़ी प्रॉब्लम्स करिए, ठीक है, इनके कुछ वीडियोस लेक्चर देखिए पहले, फिर उसके बाद खुद इंप्लीमेंट करिए, और फिर उसके बाद आप लीड कोड पे जाइए या GFG पे जाइए, और फिर वहाँ से खूब प्रैक्टिस करना शुरू करिए, ठीक है। तो इन पे ज़्यादा से ज़्यादा जितना प्रैक्टिस किए रहेंगे आगे टॉपिक पे, उतना ज़्यादा उतनी जल्दी आप सीखेंगे, ठीक है। आपका ऐसा नहीं होगा कि आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि यार मेरा टाइम वेस्ट ना हो जाए, कि मैं आयरिस पे इतने सवाल कर दिया, स्ट्रिंग पे इतने, रिकर्सन पे इतने। क्या होगा कि आप आगे मतलब आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो बस ये है ये प्रॉब्लम, ठीक है, बेस लोग नहीं बनाते, ठीक है। तो आखिरी मिस्टेक, ठीक है, नॉट गिविंग प्रॉपर टाइम टू ए क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या होगा कि जब आप ये सारे मिस्टेक्स मतलब आप अवॉइड कर देंगे, ठीक है, तो आप अच्छे कोडर बनने लगेंगे, ठीक है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप एक अच्छे कोडर बन चुके हैं, तो फिर भी अगर आपको और ऊपर तक जाना है, ठीक है, तो कुछ मिस्टेक्स उसके लिए होती है कि जैसे कि आप एक प्रॉपर मतलब टाइम दीजिए क्वेश्चन पे, ठीक है। मिनिमम जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे मतलब मैंने भी कभी ये मिस्टेक किया होगा कि 10 मिनट, अगर एक क्वेश्चन को 10 मिनट ट्राई किया, 10 मिनट नहीं हो रहा है तो हो गया, ठीक है, मैं उसको क्या देख देता हूँ, वीडियो देख लो, ठीक है। तो ये एक गलत तरीका है, ठीक है। आप उस मतलब कोई भी प्रॉब्लम है उसको यार मतलब 20 से 25 मिनट, ठीक है, मतलब इतना तो आप ट्राई करिए यार, ठीक है। मतलब इसमें मतलब होता है कभी कभी कि आप 10 मिनट में नहीं क्लिक करता, ठीक है, माइंड कहीं और मतलब, ठीक है, ऐसा। तो आप 20-25 मिनट करिए, अगर उसमें कुछ क्लिक हो रहा है, ठीक है, कुछ भी हिंट मिल रहा है आपको, तो फिर आप उसके और मूव करिए, आगे जाइए, ठीक है। बट अगर आपको 20-25 मिनट सच में आप टाइम दे दिए सीरियसली, ठीक है, मतलब एकदम सीरियस टाइम, फिर भी नहीं, कुछ भी नहीं क्लिक कर रहा है, तब इसका मतलब है कि आपको उसका सलूशन देखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप एक क्वेश्चन को प्रॉपर टाइम दीजिए, ऐसा नहीं होता कि आप क्वेश्चन को टाइम दिए आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। और मतलब ये बहुत बड़े मिस्टेक है कि क्या होता है कि मतलब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मतलब क्या है कि अगर किसी आप क्वेश्चन को टाइम दे रहे हैं, ठीक है, अगर टाइम दे रहे हैं और मान लीजिए आप 1 आवर टाइम दिए, और फिर भी वो क्वेश्चन मान लीजिए ये कोई बात नहीं करता इसकी, ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ, ठीक है, तो
हम क्या सोचते हैं कि यार ये हमारा पूरा टाइम ना वेस्ट चला गया। क्या चला गया हमारा ये पूरा टाइम? वेस्ट चला गया। क्या ये सच में ऐसा होता है कि वेस्ट जाता है? नहीं जाता है, मैं बता रहा हूँ आपको। क्योंकि अगर आप एक घंटा ना किसी भी प्रॉब्लम को टाइम दिए हैं और आपको उसका नहीं कुछ क्लिक किया या थोड़े बहुत ही ऑब्जर्वेशन आप कर पाए, कंप्लीट सोल्यूशन तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो जब आप इसका सोल्यूशन देखेंगे ना, सोल्यूशन जब भी आप इसको समझेंगे या वीडियो सोल्यूशन या आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसका सोल्यूशन आपको एक अलग ही फील देगा। मैं बता रहा हूँ, गारंटीड है ये, आपको एक अलग फील देगा कि मतलब हाँ यार ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। ये डीप में आप एक एनालाइज करेंगे खुद को, आपको फील होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि आप टाइम दें और फिर कोई फायदा नहीं होगा उसका। अगर प्रॉब्लम बन गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं होता बिल्कुल, ठीक। तो आप टाइम दीजिए अच्छे से, आप मतलब लगाइए और इंटरेस्टिंग, मतलब ये सारे अगर मिस्टेक आप दूर कर देंगे, ठीक है, ये मिस्टेक आप नहीं करेंगे, तो मैं श्योर हूँ कर रहा हूँ कि मतलब आप एक अच्छा मतलब इन्जॉय करेंगे कोडिंग को, ठीक है। मतलब कुछ हो या ना हो, आप इन्जॉय करेंगे और जल्दी जल्दी आप बढ़ते आगे चले जाएंगे, ठीक है। तो आप कहीं रुकेंगे नहीं, कहीं मतलब डिमोटिवेट नहीं होंगे, कभी ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो आप टाइम दीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो लेक्चर एक लिमिटेड देखिए, ठीक है, जितना मतलब ज़रूरत हो उतना ही देखिए, एक पूरा पढ़ के मत देखिए, ठीक है। फिर इसको एक अलग सब्जेक्ट ही पूरा मत मान लीजिए, ठीक है, ये अलग है थोड़ा, बट ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल आपको कभी इसको पढ़े ही नहीं। अगर आप मान लेंगे तो फिर क्या ही, खेल ख़त्म, ठीक है। फिर मान ही लेंगे कि अगर ये कठिन है, टफ है, तो ठीक है, इसको अगर आप इंजॉय करेंगे, मैथ से रिलेट करेंगे, तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो बस यहीं तक ये वीडियो था। अब आप जाइए और एक प्रॉब्लम उठाइए और कोड करिए, ठीक है। तो कोड अगर नहीं हो तब भी टाइम दीजिए उस प्रॉब्लम को, आधे घंटे अटेम्प्ट कीजिए, एक घंटे अटेम्प्ट कीजिए, फिर आप उसको सोल्यूशन देख करिए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो हमारा देखे हैं, अगर आपको ये पसंद आया है, ठीक है, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। हम ऐसे ऐसे काफ़ी वीडियोज़ लाएंगे, ठीक है। थैंक यू।